नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। उत्तर प्रदेश चुनाव की जो सरगर्मियां हैं अपने चरम पर हैं, इस समय हम खड़े लखनऊ में। आइए हमारे साथ जो आम जनता है उनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्या माहौल है चुनाव को लेके। आप लोग बताइए सर, जो चुनाव अभी होने वाला है कुछ समय ही बाकी रह गया, क्या माहौल लग रहा है? देखिए, अब जहाँ तक उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो दिन प्रतिदिन नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। कभी लगता है कि सपा आगे है, कभी लगता है भाजपा आगे है। डेली नेताओं का आना जाना लगा हुआ है दोनों पार्टीज में, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो चुनाव एक तरफा लग रहा था कि बीजेपी आने को है, योगी जी आएंगे और जहाँ तक आएंगे भी, अब थोड़ा सा मामला कहीं ना कहीं फंसता लग रहा। जो 325 सीट योगी जी की आई थी, उतनी आशा तो नहीं है, लेकिन यह है कि सरकार बनाएंगे योगी जी। समाजवादी और भाजपा के बीच में टक्कर देख रहे हैं, बट टक्कर दो ही के बीच में है। नहीं, जैसे मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि योगी जी का क्लीन स्वीप तो नहीं होने वाला है, फाइट इस बार टफ है। मतलब इस बार जो 325 के आंकड़े में आप 200 से सवा 200 के बीच में सीटें आंक सकते हैं, पर लेकिन ये चुनाव उतना आसान नहीं है भाजपा के लिए। सपा बहुत मेहनत कर रही है ग्राउंड लेवल पर। सबसे दुख की बात यह है जो कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी जो इसके चुनाव के वजूद से ख़त्म हो गई। इतने सारे ओपिनियन पोल हुए, मैक्सिमम लोगों ने डबल डिजिट नंबर नहीं लिए, तो ये बड़ी दुख की बात है कि कांग्रेस का इतना बुरा हश हो रहा है। पर डेफिनेटली यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट तो आएगी डेफिनेटली, और आनी भी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मुद्दे की बात करेंगे तो आज अगर आप ग्रासरूट लेवल पर जाएँ, छोटे लेवल पर जाएँ, टीयर 3 टीयर 4 शहर पर जाएँ, जो गाँव पर जाएँ, वहाँ पर जो अराजकता थी जो इससे पहले यूपी में जो बनी हुई थी, वो अराजकता डेफिनेटली कहीं ना कहीं कम हुई है। जो सबसे मुख्य मुद्दा है बीजेपी का, हिंदुओं को मजबूत करने का, डेफिनेटली बीजेपी ने उसके साथ जस्टिस किया है, हिंदुओं को काफ़ी मजबूत किया है, हिंदुओं के लिए काम किया है, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ होगी। हिंदू मुस्लिम ही मुद्दा है और विकास वगैरह? हिंदू मुद्दा नहीं, हिंदू मुद्दा। मैं कहना चाहूँगा इसमें, देखिए ऐसा है कि ना तो कोई मुस्लिम ना तो कोई हिंदू, बात सीधी सी ये है कि जो सर्व समाज के लिए जो होना चाहिए वो चीज़ होना चाहिए, वो कोई भी पार्टी आए। और हर साल भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ये कार्य कर रही है और हर वर्ग के लिए कर रही है। यदि वो कोई योजना भी लाती है तो किसी भी गाँव में, जैसे मान लीजिए कॉलोनियाँ आई होंगी या राशन बटना है या किसी चीज़ को लेकर के, अगर वहाँ परिवार, अगर उस गांव में अगर वहाँ पर हिंदू हैं और मुस्लिम दोनों हैं, तो दोनों के साथ सरकार ने न्यायपूर्ण कार्य किया। ये नहीं किया है कि किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति को ही दिया गया है, दूसरे को नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए, नहीं बात है तो जानना चाह रहे हैं तो मैं बताना चाहिए, सीधी सी बात है। हमको तो नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी मुस्लिम के साथ गलत काम किया, जैसे उन्होंने बोला। मेरा ये नहीं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो गांव हो, चाहे शहरीकरण हो, शहर में हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उनकी कोई योजना आई है तो वो हिंदुओं को और मुस्लिमों को ये जो डिवाइड करने कोई बात नहीं, सबको बराबर मिला है और पार्टी ने कहीं पक्षपात काम नहीं किया है। ठीक है, रहा सवाल की अगर कोई ये कहे कि नहीं राम मंदिर या काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक है होना चाहिए और सब लोग उसको स्वागत कर रहे हैं तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई मुस्लिम उसका विरोध नहीं कर रहा। अब कोई उसको एजेंडा बना ले, मैं ऐसा कर दूँ, ऐसा हो जाएगा, मैं आऊँगा तो मैं ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा, तो ये सब बेकार की बातें, उसको हम लोग नहीं मानते हैं। जहाँ तक ये कहा जाए कि योगी जी का, जैसे अभी लोगों को राशन मिल रहा है, आप भी देख रहे होंगे, लोगों को राशन मिल रहा है या उज्ज्वला गैस में सिलेंडर मिल रहा है या लोगों को मकान मिल रहा है या शौचालय के लिए पैसा मिल रहा है, तो उसमें कहीं ये नहीं देखा जा रहा है कि भाई अब्दुल को नहीं मिलेगा, हामिद को नहीं मिलेगा, हेमंत को मिलेगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द थिंग्स टू ऑल द पीपल्स, द पॉलिसी, दे आर मेकिंग द पॉलिसी फॉर ऑल द पीपल ऑफ यूपी। ऐसा नहीं कि कास्ट वाइज या रिलीजन वाइज दे आर डिफ्रेंशिएट। वो दे रहे हैं, अगर मकान दे रहे हैं तो अब्दुल को भी मिलेगा, अमर को भी मिलेगा, एंथोनी को भी मिलेगा। अगर वो अनाज दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, चना दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, तो वो दे रहे हैं तो भाई साहब राम को भी मिलेगा, रहीम को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। तो ऐसा कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है बीच में। वो एक अलग बात है कि कोई व्यक्ति नीडी हो और वह उसकी एक अपनी व्यक्तिगत जरूरत हो जिसकी वजह से उसे परेशान किया गया हो, वो सरकार तक अपनी आवाज़ ना पहुंचा पाया हो, वो एक अलग बात होगी कि किसी ने उसका साथ नहीं दिया, वो बेचारा परेशान रहा।
ये एक अलग बात है, लेकिन ये कहिए कि पूरी तरीके से किसी वर्ग को परेशान किया जाए तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए जहाँ तक इस परिप्रेक्ष्य की बात है कि सरकारी जो भी योजनाएं हैं उनका फ़ायदा मिलना है, वो तो ग्रॉस रूट लेवल पर सभी को मिला है, पर जो इस चुनाव में एक भयानक जो चेंज हुआ है, चाहे आप अभी अगर पॉलिटिकल वर्ल्ड को स्टडी करें, आप इंडिया को, सारे पॉलिटिकल दल अभी हिंदुओं की तरफ भाग रहे, तो डेफिनेटली बीजेपी की गवर्नमेंट आने से हिंदुओं की अहमियत बढ़ी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि फ़ायदा हिंदुओं को मिला है, मुस्लिमों को नहीं मिला, सबको मिला है। सरकार आज चाहे मोदी गवर्नमेंट हो चाहे योगी गवर्नमेंट हो, एक ही एजेंडा में काम हुआ है कि सबको फ़ायदा मिले, पर होने के साथ में बाकी पॉलिटिकल दल भी अब हिंदुओं की रिस्पेक्ट करने लगे। तो दैट मीन्स मेरे कहने का पॉइंट ये था कि हिंदुओं की अहमियत इस चुनाव के दौर में बढ़ी हुई है, जो कि आप देख भी रहे होंगे, चाहे आज सपा को देखें चाहे आज कांग्रेस को देखें। मैं सरकारी योजनाओं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी बाइस्ड है या सरकार बाइस्ड, सरकार कर रही है, पर डेफिनेटली ग्राउंड लेवल पर हिंदुओं की अहमियत थोड़ा बढ़ी है। ऐसा है कि मेरा कहना ये है कि हिंदू और मुस्लिम अगर इस नाम को बार बार बोला जाएगा तो हम डिवाइड करते हैं, ठीक है भाई, हमारे मित्र भी हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ठीक है, हम हिंदू का शब्द नाम लें, मुसलमान शब्द लें, तो उसको डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, हम बंटवारा नहीं चाहते किसी तरीके का, सभी लोग प्रेम से रहें, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो ज़रूरतें हों सबको पूरी होनी चाहिए, यही सरकार से उम्मीद है। रहा सवाल भारतीय जनता समाजवादी पार्टी जैसे अखिलेश यादव जी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ठीक है, बाई नेचर बहुत अच्छे इंसान होंगे, कोई वो नहीं है, सारी बातें हैं, लेकिन क्या उनकी पार्टी में, जैसा कि एक मोनोपोली है ना, कि ये लोग किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं समाज के वर्गों से जब ये शासन में आ जाते हैं, उस पर कमांड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये चीज़ समाजवादी पार्टी को भी ध्यान में रख करके चुनाव लड़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर ये हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी कोई खराब है, तुष्टिकरण एक राजनीति है, वो नहीं होना चाहिए। तुष्टिकरण की राजनीति है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के आने के बाद कम हुई है, चाहे अभी हिंदू की तुष्टिकरण हो, चाहे मुस्लिम की तुष्टिकरण हो, या किसी जाति विशेष वर्ग की हो, वो तुष्टिकरण की राजनीति कहीं ना कहीं बीजेपी के आने के बाद कम हुई है। देखिए मोदी जी और योगी जी ने जो राजनीतिक परिदृश्य बदला है, पहले क्या होता था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो देखती थी 20 versus 80, जो योगी जी ने अभी कहा, दे नो वेरी वेल कि जो 20% तबका है उसको आकर्षित करना ज़्यादा इजी है, दे टारगेट 20%, बट अभी मोदी और योगी जी ने जो फॉर्मूला लेके आए कि दे आर ट्राइंग टू वर्क फॉर कैप्चर द 80%, तो हिंदुओं की जो कदर बढ़ी है या हिंदू समाज जो आज लाइमलाइट में है, उनको ये लग रहा है कि हम बड़े वर्ग को साधेंगे तो जीत थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मिलेगी जरूर। मेरा कहना है, देखिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, ठीक है, मुस्लिम भी यहाँ पर खड़े हैं और हिंदू भी खड़े हैं, किसी भी मुस्लिम से आप ये पूछिए कि क्या इस पार्टी ने भेदभाव किया है कि हिंदुओं के साथ अच्छा कर दिया हो, मुसलमानों को मारपीट के बिल्कुल दुरुस्त परेशान करके रखा हो गया हो, कोई भी हो, ये भाई साहब हैं जी, मुस्लिम भी हैं, ये है ये मुस्लिम समुदाय के हैं, क्या हमारा इनके आपस में कोई भेद है किसी प्रकार का, या मतलब पार्टी द्वारा ने किया हो कि हमारे साथ अच्छा कर दिया हो, इनके साथ बुरा कर दिया हो, आप इनसे पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई हमारा वो नहीं है। मोहम्मद वसीम, तो हमें तो सर इतना रहते नहीं है नेता नगरी में सब, तो हमको तो सब भैया सही लगता है, जो है बस सब सही है सबके साथ। अखिलेश यादव की भी पहले सरकार थी, अभी योगी जी की है, क्या कुछ अंतर है, किसको होना चाहिए? अंतर तो अब ये दोनों की टक्कर लग रही भी है, इस बार कह रहे हैं कि जो है अखिलेश की भी उम्मीद है, मोदी जी की भी। मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा या जो गवर्नमेंट इस समय चल रही है, योगी जी के तुलना में फिलहाल कोई नहीं है यहाँ का मुख्यमंत्री के रूप में। अखिलेश तो जो पढ़ाई पढ़ के आए हैं, अगर बहुत ज़्यादा काबिल थे तो उसी पढ़ाई पर IAS बनते, IPS बनते, इंजीनियर बनते, वो राजघराना का वरासत लेके काहे घूम रहे हैं, बहुत काबिल तो है नहीं, किसी काम लायक है नहीं, और चम्मच लेके सोने का पैदा हुए तो राजनीति में बाप को ढकेल के हो गए, मेहनत करके होते तो इनको जानकारी होती। यह निश्चित है कि प्रधानमंत्री जी के तुलना में भारतवर्ष में आज के डेट में कोई नहीं है, और ईमानदारी के मामले में, कार्य के मामले में योगी जी के मामले में कोई नहीं है, उनके तुलना में कोई है ही नहीं है, भाजपा में भी नहीं है, इसलिए यह जो सरकार चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, इसको बार बार आना चाहिए। समाजवादी पार्टी बोल रही है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कुछ असर पड़ेगा? देखिए वो वेनेजुएला बनाना चाहते हैं, वो ठीक है, नहीं वो वेनेजुएला बनाना चाहते हैं, ठीक है, सबको अकर्मण्य बना दे, देना कुछ नहीं है,
अगर देना होता तो उनके बाप 3 साल रहे, 3 बार रहे मुख्यमंत्री, और अपने 5 साल रहे, तब का नहीं दे दिए? तब क्यों नहीं पेंशन बहाल कर दिए? तब क्यों नहीं 300 यूनिट के बजाय 3 यूनिट कम कर दिए होते? तो ये सब केवल एक जाल फेंकना है, और जाल के अलावा कुछ नहीं है। यह केवल बरगला करके, अकल गुम करा के, अकल भ्रमित करा करके लोगों को, यह जितना सीट पा जाए लेकिन 100 से नीचे ही रहेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। अच्छा, बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, राजभर हो, सब बीजेपी छोड़ के है ही नहीं है, ये तो दल बदलू हैं। पहले भी दल बदल के आए थे, बाद में भी दल बदल रहे हैं। इनके तो क्रियाकलाप में दल बदल लिखा हुआ है, और इनका कोई भरोसा नहीं है अब इसके बाद किस दल में जाएंगे। ये फायदे वाले हैं, इनको लाभ मिलेगा, ठीक है, बच्चों को, परिवार के लिए इनको टिकट मिलेगा, पूरे परिवार इनके, जैसे अखिलेश जी का पूरा परिवार नेता है, वैसे ये नेता बनाना चाहते हैं। काबिलियत नहीं है, अगर काबिलियत है तो अपने ढंग से इनके लड़के सेना में जाएं, इनके लड़के आईएएस आईपीएस बने, तब माना जाए ना। अब सबके सब बाहर पढ़ते हैं, काबिलियत है नहीं, बस एक बिजनेस, एक धंधा है जिसमें लूट मार खा करके घर बनाना है, सब बंगला बनाना है, जमीन लेना है, यही करना है इन लोगों को, और कुछ नहीं करना है। असर नहीं पड़ेगा चुनाव में? असर नहीं पड़ेगा काहे का? कोई एक एक पर, अच्छा वो एक इस भ्रम में है कि जब भाजपा में थे, जो भाजपा का वोटर है, सपा में चले गए तो उनको काहे वोट देगा, उनको क्यों वोट देगा? तो स्वामी प्रसाद भ्रम में है। और वह इसी तरह से जो भाजपा के वोटर हैं, वह आज के डेट में इतना कन्फर्म है, इतना ज़्यादा एकमत हैं कि वह स्वामी प्रसाद नहीं, कोई और चला जाए जो यह समझता हो कि नहीं हम भाजपा में रह करके बनवाए, तो वह भी चला जाए तो भाजपा को वोट नहीं पाएगा, वो जहां है उसका भी वोट नहीं पाएगा, क्योंकि वह वहां जाने के बाद जो मठाधीशी करता है वो मठाधीशी करेगा, और उसको मठाधीश बनना नहीं है। और अगर प्रोजेक्ट करना हो तो अखिलेश जी कह दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। मौर्य समाज के लोग नाराज भी चल रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाए, तो नहीं, ये योग्यता होना चाहिए। अगर केशव प्रसाद नहीं, कोई और भी बना, सिद्धार्थ नारायण सिंह कोई बना दिया गया होता, तो फिलहाल योगी जी की तुलना में वो नहीं थे। और आज जो 5 साल की सरकार चली है, फिलहाल ईमानदारी और कर्म के आधार पर चली है, तो वो यह अगर भ्रम में है कि हमको बना दिया गया होता, या लोग भ्रम में हैं, वो गलत रास्ता चाहते हैं, गलत लोगों को चाहते हैं। अगर आप अनुभवी हैं, अपने कर्म से इतने योग्य हैं, तो आप मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की काबिलियत लाइए ना। रेस तो कह भी रहे हैं कि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए तो फिर प्रधानमंत्री के रेस में होंगे वो। नहीं, वो यह कह देना कि हम उत्तर प्रदेश छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। अब बनना योगी जी को है, बनना योगी जी को, यह कहें कि हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, हम अपने परिवार में सबको हम राजनीति से हटा देंगे, ये कहें अखिलेश जी। हम कर डिम्पल के साथ साथ हैं, शिवपाल जी उनके चाचा हैं, और रामगोपाल हैं, और लोग हैं। हम पे परिवारवाद का आरोप लगता है, अपर्णा यादव तो परिवार के ही बीजेपी में चली गई, बीजेपी में चली गई है ना, उनके परिवार से एक व्यक्ति बीजेपी में चला गया है, वह बीजेपी में रह करके जीते हारे जो है, लेकिन उसकी जो विचारधारा है वो अपने विचारधारा के अनुसार आई हुई है। आप जैसे क्या माहौल आपको लग रहा है चुनाव को लेके? चुनाव का माहौल तो बहुत बढ़िया लग रहा है, फर्स्ट क्लास। सब सारे लोग बड़े उमंग से खुश हैं कि चुनाव सामने है, अब की बार रैली नहीं हो रही है, वो बढ़िया शांति भाव से चुनाव होगा, तो इसमें सारे लोग बढ़िया संपन्न हैं, प्रसन्न हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई यूपी की जनता या पूरे देश की जनता, कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, नेता लोग क्या काम करते हैं, कैसे देश चल रहा है, क्या कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा, पब्लिक अब पहले की तरह नहीं रहेगी, समझदार हो गई है, अपने हिसाब से समझ बूझ के जैसे भी हो वो अपना निर्णय, अपना चुनाव, अपना जिसको जैसा समझेगी उसी को अपना साबित करके उसको वोट देगी। ये पूरे जनता में ये काफ़ी जागरूकता हो गई और सब लोग समझदार भी हो गए। और अंतर है अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ का जो कार्य? हाँ बिल्कुल, अंतर तो है ही है।
अब इतने 5 साल में जो भी जैसा भी काम सब लोग ने किया है उसमें से मोदी जी का तो उनके कर कमलों से जितने काम हुए सब अच्छे ही हुए हैं और सारे लोग खुश भी हैं, ऐसा नहीं। कोई भी जात का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या जात पात का कोई वो नहीं, केवल राजनीतिक पार्टियां अपनी जात पात को एजेंडा बना के ये लड़ाने की कोशिश करती हैं और इसी से सब कुछ होता रहता है। बाकी पब्लिक समझदार है, जो अच्छा होगा निर्णय जो सही पब्लिक करेगी वही होगा। बताइए सर, आप बताइए। बोलो बोलो। अरे हम क्या बोले, योगी के अलावा कोई भाई अच्छा है ही नहीं। आप बताइए सर, अब क्या कहेंगे जो चुनाव अभी होने वाला है? योगी क्योंकि माफिया राज खत्म किया है उन्होंने और एक स्वच्छ प्रशासन दिया है उन्होंने। अब बहु बेटियाँ सुरक्षित हैं यहाँ पे, बस यही चाहते हैं कि माहौल अच्छा बना रहा है, योगी जी दोबारा सरकार बनाए। जी पक्षी तालाब क्षेत्र में जरा सा देख लीजिए, मतलब अखिलेश यादव के तो लोग अखिलेश यादव बोलते हैं कि जो बीजेपी वाले खुद ही उसमें माफिया के लोग भरे हुए हैं। कौन माफिया है? कौन माफिया? अखिलेश यादव जी एक माफिया बता रहे हैं, कौन माफिया है बीजेपी माफिया? ये बोल रहे माफिया राज कम हुआ है तो अखिलेश बोलते हैं बीजेपी में खुद ही माफिया है। नहीं, माफिया राज कम हुआ क्या मतलब? ये भैया कोई समस्या किसी को है अगर थाने पे जाते हैं तो थाने वाले सुनते हैं, उसकी भी कार्रवाई करते हैं, ये होना चाहिए ना। तो अब इसमें क्या है क्या नहीं, अब तो जब थाने वाले ना सुने, किसी का पर्टिकुलर किसी का दबाव थाने पर रहे और किसी एक आम आदमी की समस्या उसको ना सुना जाए तो वो माफिया राज हुआ ना। माफिया राज तो तब माना जाएगा ना, ऐसे तो नहीं ना कि आपको समस्या है आप थाने पर गए हैं भैया हमको समस्या है देख लिया जाए, वो ना देखें और पर्टिकुलर जो आदमी आपको परेशान कर रहा है वो गलत है उसका साथ दे, तब माफिया राज हुआ ना, तभी तो हुआ माफिया राज। ऐसे तो नहीं माफिया राज माना जाएगा।